नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। आज है मेरे पास रियलमी 2 प्रो, जो रियलमी की तरफ से लॉन्च किया गया लेटेस्ट स्मार्टफोन है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यही रियलमी 2 फोन का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो सिट बैक एंड रिलैक्स। सबसे पहले आपको बता दूं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ सेटिंग्स पे आपको दिखाता हूँ। जैसे अबाउट फोन में मैं गया हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो ये डिवाइस आपको चल रहा है एंड्रॉइड ओरियो 8.1.0 आउट ऑफ द बॉक्स, और उसके साथ आपको मिलता है कलर ओएस 5.2 का अपडेट। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट कलर ओएस का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे आप देख पा रहे हो। और कलर ओएस अगर आप पहले इस्तेमाल किए तो डेफिनेटली आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एड ऑन फीचर्स मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्च बार। ऊपर से नीचे ऐसे अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक सर्च बार। अब ये सर्च बार में आप कोई भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं या फिर कोई भी कॉन्टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अगर फ्लिपकार्ट को ढूंढना है तो मैं डायरेक्टली फ्लिपकार्ट टाइप करता हूँ तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट आ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे मेरी मम्मी का फोन नंबर ढूंढना है तो माँ टाइप करता हूँ, यहाँ पर मेरा आ जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पर आपका इस फोन में रहते हुए कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करना चाहे तो, अगर आपको याद नहीं है कहाँ पर है तो वो आप यहाँ पर सर्च बार से सर्च कर सकते हैं। अगर आप दो उंगली से पिंच इन करते हैं तब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, एक विजेट का मिलता है, तो अलग अलग अगर आप विजेट इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको जो भी इफेक्ट पसंद है आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का फुल्का कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो है सेट वॉलपेपर, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप जाके अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिलता है एक स्मार्ट असिस्टेंट। अगर आप लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक स्मार्ट असिस्टेंट। अब ये स्मार्ट असिस्टेंट के अंदर यहाँ पर आपको बहुत सारा यूजफुल चीज़ें मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक फंक्शंस, मतलब यहाँ पर आपका सभी लेटेस्ट एप्लीकेशन, मतलब जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो वहाँ पर आप ऐड कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहे तो और भी एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड करना वो भी आप कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अगर बुक माई शो है यहाँ पर करके मैं डन कर दिया तो बुक माई शो यहाँ पर आपका आ गया, तो ये आप कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है काफ़ी एक अच्छा चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको मिलता है स्कैन नेम, मतलब अगर आप चाहे तो कोई भी कार्ड को स्कैन कर सकते हैं। कैसे? कुछ इस प्रकार से, सिंपली आपको कोई भी कार्ड लेना है उसके ऊपर ऐसे आप उसको टैप करना है, टैप करने के बाद यहां पर आपको उठाना है फोटो। जब भी आप फोटो उठाएंगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि एग्जैक्टली वो कौन सा कार्ड है, उसका नाम, नंबर, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ईमेल एड्रेस सभी यहाँ पर आ गया है। मतलब ये कार्ड देख के मुझे मैनुअली टाइप करके सेव करना नहीं पड़ा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफी एक नेफ्टी फीचर है। और एक जो बहुत बढ़िया ऑप्शन मिलता है वो है आपका स्कैन एंड ट्रांसलेट। अभी स्कैन एंड ट्रांसलेट का यहाँ पर बहुत सारा काम है, जैसे आप देख पा रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन एंड ट्रांसलेट करता है, उसके बाद शूट एंड ट्रांसलेट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं शूट करता हूँ इसको, मैं यहाँ पर शूट कर लिया, उसके बाद ये थोड़ा बहुत रिकॉमेंड्स करके यहाँ पर बता देता है, मतलब हिंदी है तो इंग्लिश बता देगा, इंग्लिश है तो हिंदी बता देगा। वो कैसे पता चला? यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर दो ऑप्शन आपके अवेलेबल है, इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश। तो बाकी लैंग्वेज फॉर द टाइमिंग यहाँ पर आपका अवेलेबल नहीं है। खाली यही नहीं, आपका यहाँ पर स्कैन डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट स्कैन भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अगर ये 100 रुपये के नोट को स्कैन करना है तो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पर एक फ़ोटो उठाऊँगा, और उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो जैसे स्कैनर होता है उसके बाद ये वाला ऑटोमेटिकली इसको स्कैन कर लेगा। तो एडिशनली कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जरूरत नहीं, तो मुझे लगता है ये वाला काफी अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप ट्रांसलेट के साथ साथ स्कैन भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है इस डिवाइस में आपको मिलता है एक ड्यू ड्रॉप, मतलब काफी बहुत ही बढ़िया एक नॉच बोल सकते हैं या फिर ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले मिलता है। अभी ये जो नॉच है ये अलग अलग काम पे आप लगा सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो ये नॉच को इस्तेमाल भी ना कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कोई एप्लीकेशन में नॉच रहे या फिर कोई एप्लीकेशन में नॉच ना रहे वो भी आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर है ऐप डिस्प्ले फुल स्क्रीन। जब भी आप ऐप डिस्प्ले फुल स्क्रीन के अंदर जाएंगे यहाँ पर जैसे आप बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो उसके बाद सिंपली आपको जाना पड़ेगा नॉच एरिया कंट्रोल में। नॉच एरिया कंट्रोल के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारे एप्लीकेशन। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे अमेजन एप्लीकेशन नहीं चाहिए फुल स्क्रीन में चले तो मैं उसको जस्ट डिसेबल कर दूंगा, या फिर फॉर एन एग्जाम्पल मुझे अगर उसको इनेबल करना है यहाँ पर इनेबल कर दूंगा। तो यहाँ पर सभी एप्लीकेशन आप देख पाएंगे, कुछ कुछ एप्लीकेशन जैसे आप देख पा रहे हो फुल स्क्रीन में नहीं है, जैसे अगर क्लैश ऑफ क्लैंस मुझे चाहिए फुल स्क्रीन में तो फुल स्क्रीन कर दूंगा, तो नॉच के साथ ये जो पूरा डिस्प्ले है पूरा डिस्प्ले में वो व्यू होगा। तो यहाँ से आप हल्का फुल्का नॉच को कस्टमाइज कर सकते हैं।
जबाज में आपको मिलता है एक स्मार्ट स्लाइडर। सिंपल अगर आप ऐसे करें तो यहाँ पर आपका स्मार्ट स्लाइडर आ जाता है, जो मुझे लगता है काफ़ी कन्वीनियंट है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, फाइल मैनेजर, कैमरा, उसके बाद आपका स्क्रीन शॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन। अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मैसेंजर चाहिए वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ईजिली उसको ऐड कर सकते हैं। और इसको अगर ऐसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे ऊपर नीचे या फिर दाएं या फिर बाएं ऊपर नीचे, कहीं पर भी अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अभी क्या होता है, ये जो स्मार्ट स्लाइडर, ये बेसिकली बाई डिफॉल्ट ऐड होके आया है। मतलब मैं जब से इस्तेमाल करूँ बाई डिफॉल्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके डिवाइस में ये वाला स्लाइडर नहीं है, उसको इनेबल करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका स्मार्ट एंड कन्वीनियंट बोल के एक ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट स्लाइडर। तो सिंपली जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्मार्ट स्लाइडर है, तो यहाँ पर अगर डिसेबल रहता है तो उसको आप इनेबल कर दो तो ऑटोमेटिक चलेगा। इस डिवाइस का आपको ऑटो रोटेशन का भी ऑप्शन मिलता है। अभी आप सोच रहे हैं अचानक से ऑटो रोटेशन के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो ऑटो रोटेशन को ऑन करने के लिए। क्योंकि कौन सा ऑप्शन है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं गैलरी में जाता हूँ, उसके बाद अगर इसको घुमा तो जैसे आप देख पा रहे हो ऑटो रोटेशन ऑफ है, तो ऑन नहीं है। तो उसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल पे, और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर पोर्ट्रेट लॉक बोल के एक ऑप्शन है जो आपका इनेबल है, तो इसको आपको करना पड़ेगा डिसेबल, मतलब अभी पोर्ट्रेट लॉक नहीं है। उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ वापस वही फोटोज पे और इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ, तो जैसे आप देख पा रहे हो अभी पोर्ट्रेट लॉक डिजेबल हो गया। इसका मतलब आप पोर्ट्रेट मोड में सभी चीज देख सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिलता है काफी बढ़िया डिस्प्ले, उसके साथ साथ आपको मल्टी विंडो या फिर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है। सिंपली उसको एनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मल्टीटास्किंग बटन पे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर है, तो कोई भी एप्लीकेशन को ऊपर से नीचे अगर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जैसे जाएंगे आप स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ अगर मैं फ्लिपकार्ट खोल लेता हूँ तो जैसे आप देख पा रहे हो दोनों एप्लीकेशन आप एट ए टाइम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये तो गया आपका स्प्लिट स्क्रीन कैसे आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी दो ऑप्शन है जिससे आप स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं। कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर हैं और ये वाला बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में चला जाएगा, तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर है, नीचे से तीन फिंगर से अगर ऊपर से नीचे से ऊपर करेंगे तो वो भी आपका स्प्लिट स्क्रीन में आ जाएगा। तो ऐसा एक बार तीन तरीका है जहां पर आप स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेमोरी लॉकिंग का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल जब हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत अलग अलग एप्लीकेशन ऑन रहता है, तो अगर हम लोग यहाँ से क्लीन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सभी एप्लीकेशन क्लीन हो जाएगा। लेकिन जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर तीन एप्लीकेशन या चार एप्लीकेशन यहाँ पर अभी भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सभी एप्लीकेशन ऑन रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एक लॉक का साइन। इसके वजह से अभी आप एप्लीकेशन को कैसे लॉक करेंगे, सिंपली उसको ऊपर से नीचे कीजिए तो यहाँ पर आपका लॉक का साइन है। अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मैं फेसबुक को भी अनलॉक कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्लीन करता हूँ, तो जैसे आप देख पा रहे हो मेरा जो दो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो गया, लेकिन ये सब एप्लीकेशन क्लीन नहीं हुआ। अगर आप चाहे तो नोटिफिकेशन जितने भी टॉगल्स है जैसे आप देख पा रहे हो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर पाएंगे काफ़ी आसान तरीके से। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सभी टॉगल्स आ गया है। तो अगर कोई भी टॉगल्स आपको अंदर चाहिए तो आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके उसको आप अंदर ले सकते हो। कोई भी टॉगल्स अगर नहीं चाहिए तो उसको आप फॉर एन एग्जाम्पल पावर सेवर अगर नहीं चाहिए तो आप बाहर लेके आओ, मल्टी स्क्रीन अगर आप चाहिए तो उसको अंदर लेके जाओ। तो ऐसे आप करके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं काफ़ी अलग अलग काम के लिए, और इस डिवाइस में आपको बाय डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है। सिंपली ऊपर से नीचे से आप, तो यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन पैनल पे आते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। अलाउ करने के बाद तो ये ऑडियो वीडियो जो भी है आपका ऑटोमेटिकली जैसे आप देख पा रहे हो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली अगर आप चाहें तो इसको आप बंद भी कर सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर आप चाहें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो क्वालिटी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये वाला ऑप्शन, उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, उसके बाद यहाँ पर आपका अलग अलग ऑप्शन आ जाता है। इस फोन के अंदर टूल्स के अंदर आपको मिलता है कैलकुलेटर का ऑप्शन, जो भी आप सोच रहे हैं कैलकुलेटर तो सब में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे एड ऑन ऑप्शन मिलता है। कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पर आपको तीन जो लाइन है वहाँ पर टिक करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलता है, लाइक कैलकुलेटर ऑनलाइन, करेंसी कन्वर्टर, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको करेंसी कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो यूएसडी टू इंडिया, फॉर एन एग्जाम्पल अभी इंडिया का 100 मतलब 7256 मतलब काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एक का है 72 रुपीज़ 56 पैसा, तो जैसे आप देख करो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो ये सभी चीज़ आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका वॉल्यूम कन्वर्शन या फिर स्पीड कन्वर्शन, यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया जो आप एड ऑन तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, वो चीज़ डे टू डे लाइफ में काफ़ी काम में आता है।
इस डिवाइस में स्क्रीनशॉट लेना काफी आसान है। अगर आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखें तब आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। अगर ऐसे नहीं लेना है, सिंपल ऊपर से नीचे से तीन फिंगर से अगर स्वाइप करते हैं तब भी आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इतना लंबा पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, सिंपल ऊपर से नीचे ऐसे टैप कीजिए, वह उसके बाद लॉन्ग जो है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका पूरा जब सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप कर लो डन। जब भी आप डन करोगे, यहाँ पर आपका लॉन्ग जो स्क्रीनशॉट है, जैसे आप देख पा रहे हो, पूरा सेटिंग्स का जो स्क्रीनशॉट है वो आपका सेव हो गया। ये भी आपका इनबिल्ट फीचर है और काफी बढ़िया फीचर है। इस डिवाइस में आपको डुप्लीकेट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है, मतलब आपको डुअल ऐप का ऑप्शन है। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा विच इज ए क्लोन ऐप। जब भी आप क्लोन ऐप के अंदर जाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर जितने भी मेजर सोशल नेटवर्किंग्स है, यहाँ पर आपका ऐड है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, अगर मुझे क्लोन चाहिए, सिंपली मुझे इनेबल करना है तो वो ऑटोमेटिकली क्लोन हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो अब ये वाला आपका क्लोन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर व्हाट्सअप क्लोन करना है, फिर दो व्हाट्सअप चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा। तो जल्दी से मैं होम स्क्रीन में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक व्हाट्सएप है, यहाँ पर एक फेसबुक है, उसके बाद यहाँ पर भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लोन लिखा है। इसका मतलब ये है, ये वाला एक्चुअली आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन है, ये वाला क्लोन एप्लीकेशन है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका अवेलेबल है। इस फोन में बाई डिफॉल्ट बैटरी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर शो नहीं करता, जैसे आप देख पा रहे हो। तो उसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक बैटरी का ऑप्शन है, जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला। उसके बाद सबसे अगर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो शो बैटरी परसेंटेज है, तो उसको जब भी आप इनेबल कर देंगे, उसके बाद ऊपर जब देखेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका जो बैटरी का जो परसेंटेज है अभी 54% वो दिखा रहा है। तो ऐसे आप इसको इनेबल कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में बाई डिफॉल्ट इनेबल नहीं है तो। इस डिवाइस के साथ आपको एक हार्ड कॉपी तो मिलता ही है, विच इज यूजर मैनुअल। अगर आप चाहे तो सॉफ्ट कॉपी यूजर मैनुअल, वारंटी इन्फॉर्मेशन या फिर सर्विस सेंटर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स, उसके बाद है आपका यूजर गाइड। अब यहाँ पर आपका दो तीन ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑप्शन है ट्रबल शूट। तो अगर आपको इस डिवाइस के बारे में कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ से आप उसको प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्ट सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और फाइनल मिलता है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस के अंदर जैसे आप सर्विस इंफॉर्मेशन, कस्टमर, इवन ई वारंटी कार्ड भी यहां से आप जनरेट कर पाएंगे। तो ये डेफिनेटली काफी एक बढ़िया ऑप्शन है। तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। इस डिवाइस में आपको ओटीजी फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट मिलता है, लेकिन उसको इनेबल आपको करना पड़ेगा। उसके लिए जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स, और सबसे नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा ओटीजी कनेक्शन। तो इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद आप ओटीजी ड्राइव इस डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिलता है ऐप लॉकिंग का फीचर भी, जो काफी यूजफुल है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी, उसके बाद आपको मिल जाएगा ऐप लॉकिंग का फीचर। सिंपली आप अपना यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद अपना ऐप लॉक कर सकते हैं, कोई भी जो एप्लीकेशन आपको लॉक करना है। तो उसके बाद अपने अपना फेस आईडी और फिंगरप्रिंट स्कैनर से वो लॉक खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजन मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो फिंगरप्रिंट से मैं इसको खोल सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं फिर से इसको खोलना चाहूँ फेस अनलॉक से, फॉर एग्जाम्पल इसको खोल के मैं देखता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो ये खुल गया। तो फेस अनलॉक और ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, और एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है। तो अगर आप जाते हैं डायरेक्टली सेटिंग्स में, उसके बाद आप जाते हैं सिक्योरिटी में, और यहाँ पर है आपका ऐप लॉकिंग। यहाँ पर खाली क्या है ना, मतलब आप खाली एप्लीकेशन को लॉक नहीं, अगर आप चाहते तो एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। तो अगर आप हाइड कर देंगे कोई भी वो एप्लीकेशन को देख भी नहीं पाएगा। यहाँ पर जैसा देखो नेटवर्क स्पीड दिखा रहा है, तो अगर आप चाहे तो नेटवर्क स्पीड भी एकदम नोटिफिकेशन बार में रख सकते हैं। उसके इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन स्टेटस बार, और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो शो द रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। सो अगर आप इसको ऑफ करेंगे, जैसे आपका देख रहा हो ये आपका ऑफ हो गया। अगर आप इसको इनेबल करना है सिंपली आप इसको टैप कर दीजिए, वो आपका इनेबल हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप नेटवर्क स्पीड देख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँ कि इसको आप ऑफ ही रखो, क्योंकि मुझे लगता है इससे थोड़ा बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इस डिवाइस में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर एज वेल एज फेस आईडी भी। तो इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ही फास्ट एंड रेस्पॉन्सिव है, जैसे आप देख पा रहे हो जस्ट आपको एक बार टैप करना है और वो आपका अनलॉक हो जाएगा। खाली यही नहीं, यहाँ पर जो आपका फेस आईडी है वो भी काफी बढ़िया है। तो लेट मी शो यू फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं आपका देख रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो ये अनलॉक हो गया, इसको अब ऐसे खोलना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला आपका अनलॉक हो गया और मैं ऐसे खोल सकता हूँ। अभी आप सोच रहे हैं ये बार बार स्लाइड करके खोलना थोड़ा बहुत दिक्कत वाला बात है, लेकिन उसको अगर चाहे तो आप ऑफ कर सकते हैं। सिंपली आप जाओ सेटिंग्स पे, उसके बाद आप यहाँ पर चले जाओ फिंगरप्रिंट एंड पासकोड, उसके बाद आप चले जाओ फेस, उसके बाद यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पर देखो आप दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है आपका बाई स्वाइपिंग जो स्क्रीन आता है, दूसरा है आपका डायरेक्टली फेस अनलॉक। तो इसको आप सिंपली जाके आप इनेबल कर दो। तो उसके बाद क्या होगा, आप जब भी इसको आप लॉक करेंगे और डायरेक्टली आप देखेंगे तब ये ऑटोमेटिकली आपका खुल जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये डायरेक्टली खुल जा रहा है फेस के साथ।
तो ये काफी फास्ट है, इवन फेस अनलॉक भी काफी फास्ट है और इट वर्क्स प्रीटी फाइन। फेस अनलॉक का दो कंप्लेन है, एक तो आग बंद करके भी बहुत सारे फोन का फेस अनलॉक खुल जाता है और अंधेरे में फेस अनलॉक का दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पर आपका दोनों चीज का सोल्यूशन है। उसके लिए सिंपल आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, उसके बाद फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक, फेस अनलॉक के अंदर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑप्शन है आपका स्क्रीन स्क्रीन जो ब्राइटनेस है वो आपका काफी बढ़ा देता है अगर एकदम अंधेरे में है, तो अंधेरे में अगर आप करेंगे तो स्क्रीन ब्राइटनेस काफी बढ़ जाएगा और अंधेरे में भी आप फेस अनलॉक कर पाएंगे। उसके बाद और एक जो ऑप्शन है विच इज क्लोज आइज विल फेल फेस अनलॉक, तो मतलब अगर आपका आंख बंद रहता है तो फेस अनलॉक काम नहीं करेगा। इनिशियली हो सकता है इस डिवाइस में आपको पैटर्न अनलॉक का ऑप्शन ना मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको जनरली फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिलता ही है, उसके साथ साथ फेस आईडी और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पास कोड का ऑप्शन मिलता है। अभी अगर आपको नहीं मिल रहा है तब आप ये प्रोसेस फॉलो करो, सेटिंग्स में जाओ, उसके बाद फिंगरप्रिंट फेस पासकोड इस ऑप्शन में जाओ, उसके बाद लॉक स्क्रीन पासकोड जो है यहाँ पर जो है आपका जो पासवर्ड ऑलरेडी सेट है डेफिनेटली उसको डाल के उसके अंदर जाओ। यहाँ पर आपका है मॉडिफाई पासवर्ड बोल के, जैसा ऊपर देख पा रहा हूँ, तो ये मॉडिफाई पासवर्ड के अंदर जाने के बाद आपका जो पुराना पासवर्ड है वो पुराना पासवर्ड डालो। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है विच इज अदर ऑप्शन, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पैटर्न कोड का, तो सिंपली आप यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी आप पैटर्न कोड यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे मैंने यहाँ पर पैटर्न कोड आपका सेट कर लिया, तो उसके बाद जब मैं अनलॉक करने का कोशिश करूंगा, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मुझे पैटर्न कोड का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन है, इसके माध्यम से आप पैटर्न लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक लवर है तो यहाँ पर आपको हेडफोन का साउंड जो है वो कस्टमाइज करने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, उसके नीचे यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ऑप्शन है आपका रियल साउंड टेक्नोलॉजी का। अब रियल साउंड टेक्नोलॉजी जनरली तभी काम करेगा जब आप कोई भी हेडसेट इसे कनेक्ट करेंगे, तो मैं जल्दी से एक हेडसेट यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो अलग अलग यहाँ पर आपका ऑप्शन है, तो पॉप रॉक कंट्री या फिर जैज अपने हिसाब से मैं यहाँ पर सुन सकता हूँ, तो जो भी आपको गाना या जिस टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है उसके हिसाब से आप यहां पर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप गाना सुनते हैं डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन आप जरूर से ट्राई करना। रियलमी 2 प्रो में आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले और काफी बड़ा डिस्प्ले, उसके साथ साथ ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन है, लेकिन ऐसे बहुत कोई है जिनको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन पसंद नहीं है, तो अगर आप इसको हटाना चाहते हैं या फिर कस्टमाइज करना चाहते हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स, उसके बाद स्मार्ट एंड कन्वीनियंट में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका नेविगेशन कीज। अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो मिलता है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आपका अलाइनमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए राइट लेफ्ट या फिर ऊपर से नीचे जो भी आपको चाहिए जिसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो तो फर्स्ट पॉइंट गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यहां पर जो वर्चुअल की नेविगेशन या फिर स्वाइप जेस्चर है, जब भी आप स्वाइप जेस्चर में आएंगे तब यहां पर आप देख पाएंगे बहुत सारा ऑप्शन है अलग अलग, कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3, सो यहां पर अलग अलग ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे अभी आप देख पा रहे हो नीचे आपका नेविगेशन बटन हट गया है, तो मैं अभी जाता हूँ आपका बैक में, तो ये वाला आपका बैक है या फिर ये वाला आपका बैक है, नीचे से ऐसा करेंगे आपका मल्टीटास्किंग है मतलब, या फिर ऐसा करेंगे होम है, नीचे से ऊपर अगर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका मल्टीटास्किंग है, फिर ऐसा आपका होम है, कोई भी अगर एप्लीकेशन में खोल के रखो और ऐसा करता हूँ ये आपका बैक है, और अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूँ ये भी आपका बैक है, मतलब इस साइड से बैक है इस साइड से भी बैक है, नीचे से ऊपर अगर प्रेस एंड होल्ड करेंगे तब आपका मल्टीटास्किंग है, और अगर ऐसा फॉर एन एग्जाम्पल कोई एप्लीकेशन अगर ऐसा करेंगे तब आपका ऑटोमेटिकली ये आ जाता है होम स्क्रीन पे। अभी आप सोच रहे हो कोई भी एप्लीकेशन के अंदर है अगर आपको उसको बैक करना है तब आप कैसे करेंगे, सिंपली ऐसे आप जाओ ये बैक आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो जेस्चर है ये तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी एक दो ऑप्शंस आपको मिल जाएगा जो आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हाइट जेस्चर जो गाइड है वो अगर आप चाहे तो हाइट कर सकते हैं, यहाँ पर जो जेस्चर गाइड है यहाँ पर करेंगे तो वो जो जेस्चर गाइड ही हट जाएगा मतलब नीचे आपका कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फोन ऐसे आइडल मोड में और अगर अचानक से आप उठाते हैं तो यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन है या फिर ये जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्मार्ट एंड कन्वीनियंट में, और यहाँ पर आपको मिल जाता है जेस्चर मोशन। जेस्चर मोशन में यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो रेज टू टर्न ऑन द स्क्रीन, ये वाला ऑप्शन मैंने इनेबल करके रखा है, थ्री फिंगर टू स्क्रीन शॉट वो भी मैंने आपको दिखाया, तो आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा, तो ये दो ऑप्शन यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर स्मार्ट कॉल का ऑप्शन भी यहाँ पर है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर दो तीन ऑप्शन मिल जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल ऑटो कॉल, मगर कान के सामने जब आप लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगा, मोड स्विच आपका कर सकते हैं, फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल कर सकते हैं, तो अलग अलग ऑप्शन आप यहाँ से इस्तेमाल कर पाएंगे स्मार्ट कॉल के अंदर, आपको मिल जाएगा ये सभी फीचर्स। इस डिवाइस में आपको बहुत सारा जेस्चर ऑप्शन मिल जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल डबल टैप टू आप वेकअप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे तो
वी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फ्लैश लाइट, जैसे आप देख पा रहे हो फ्लैश लाइट जल रहा है, या फिर अगर आप चाहे तो ओ फॉर कैमरा, मतलब या फिर सी फॉर कैमरा होता है जनरली, यहाँ पर आप ओ फॉर कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जेस्चर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जेस्चर इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्मार्ट एंड कन्वीनियंट, उसके बाद आपका जेस्चर एंड मोशन, और यहाँ पर आपका स्क्रीन ऑफ जेस्चर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्क्रीन ऑफ जेस्चर के अंदर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारा जेस्चर्स ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप चाहे तो एड ऑन स्क्रीन जेस्चर भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, अलग अलग चीज ड्रॉ करके आप अलग अलग एप्लीकेशन को उसके साथ असाइन कर सकते हैं। तो जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको एक एसएसटी बॉल का ऑप्शन मिल जाता है, तो अलग अलग आप काम इससे कर सकते हैं, या फिर कोई भी एप्लीकेशन अंदर अगर आपको होम पे आना है इससे कर सकते हैं, या फिर कोई भी एप्लीकेशन के बहुत अंदर है अगर आपको बैक में जाना है तो इससे भी आप बैक में जा सकते हैं, और डबल टैप करने से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने बताया, तो ये सभी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप दाएं बाएं कहीं पर भी ले सकते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद है स्मार्ट एंड कन्वीनियंट, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है असिस्टिव बॉल। अभी असिस्टिव बॉल यहाँ पर आप दो टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो आप मेनू इस्तेमाल कर सकते हैं, टैप करेंगे तो आपका मेनू आ जाएगा, या फिर आप जेस्चर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी आप ज्यादा कम कर सकते हैं, और हाइट ऑटोमेटिकली जब फुल स्क्रीन में आप गेम या फिर दूसरा कुछ मूवी देख रहे तो ऑटोमेटिकली वो हाइट हो जाएगा। तो अलग अलग चीज आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको डायरेक्टली नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब डायलर से आप कोई भी नंबर यहां पर दबाओ, उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहां पर ऊपर आपका वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन आ गया है। इस डिवाइस का आपको मिल जाता है डुअल 4G वोल्टी का ऑप्शन, तो दोनों सिम में आप 4G वोल्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4G कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी सिम 1 में डाला एयरटेल का सिम, सिम 2 में डाला जियो का सिम, और दोनों सिम काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैं लगभग 3-4 दिन हो गया इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो 4G वोल्टी इज वर्किंग प्रीटी फाइन ऑन बोथ द सिम्स। अगर आप गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो गेम स्पेस बोल के यहाँ पर आपको ऑप्शन है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको गेम स्पेस मिलेगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारा एड ऑन फीचर्स मिलता है जिसको आप इनेबल करके रख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप गेम खेलेंगे तब दूसरे एप्लीकेशन को क्लोज करके यहाँ पर आपको और भी ज्यादा पावर दिया जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन को आप ब्लॉक कर सकते हैं, तो ग्राफिक्स एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। इवन गेम असिस्टेंट भी आपको मिल जाता है, तो एट द टाइम ऑफ गेमिंग, तो यहाँ पर बहुत सारे एड ऑन फीचर्स मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप ज्यादा गेम खेलते हैं ये वाला ऑप्शन आप जरूर से ट्राई करना। अगर आप ड्राइव कर रहे हो या फिर राइड कर रहे हो बाइक, तो उसके लिए यहाँ पर आपका एक सेफ मोड है, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा स्मार्ट एंड कन्वीनियंट में, उसके बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट ड्राइविंग का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन है, तो आपने अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप जब ड्राइव करेंगे कॉल रिसीव एंड या फिर ऑटो SMS, ये सभी चीज यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके लिए कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। इस डिवाइस में आपको एक एप्लीकेशन मिलता है, वो है आपका फोन मैनेजर का। ये रहा फोन मैनेजर, और यहाँ पर जाने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, क्लीन स्टोरेज कर सकते हैं, जो भी एड ऑन फाइल्स है या फिर जंक फाइल्स है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको प्राइवेसी परमिशन उसको आप यूज कर सकते हैं, वायरस स्कैनिंग आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, उसके बाद पेमेंट प्रोटेक्शन, व्हाट्सएप क्लीनर या फिर कॉमन प्रॉब्लम डिटेक्शन, ये सभी चीज यहाँ से आपको पता देगा एग्जैक्टली क्या क्या दिक्कत है या फिर क्या क्या दिक्कत नहीं है। उससे आप फोन को और भी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे और फोन का सेहत भी काफी अच्छा रहेगा। आजकल हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली फोन चेंज करते हैं, स्पेशली हम लोग जैसे जो लोग रिव्यूअर है उन लोगों को तो फोन चेंज करना पड़ता ही है। उसके लिए यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिया गया है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टूल्स के अंदर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लोन फोन। क्लोन फोन क्या करता है, पुराने फोन से नए फोन का कनेक्शन करके सभी जितना भी डेटा है आप एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी आपको एड ऑन एप्लीकेशन या फिर दूसरा चीज करने का जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये आपको काफी बढ़िया फीचर आपको मिलता है, और क्लोन फोन आपका मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड डिवाइस में काम कर लेता है। तो उससे क्या होगा, कोई भी डेटा आपका लॉस नहीं होगा, बैकअप का भी झमेला नहीं, डायरेक्ट आप ट्रांसफर करो, नया फोन इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। बहुत किसी ने पूछा इस डिवाइस में कॉम्पस है कि नहीं। जी हाँ, इस डिवाइस में आपको कॉम्पस अवेलेबल है, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन अवेलेबल है एंड इट इज वर्किंग प्रीटी फाइन। तो गूगल मैप आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्पस तो है ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस डिवाइस में कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कॉल रिलेटेड बाकी सभी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सिस्टम ऐप, यहाँ पर आपका है कॉल। अभी यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर ब्लॉक का, अगर आप कोई भी नंबर को ब्लॉक करके रखना चाहते हैं, ब्लॉक कॉल, ब्लॉक SMS, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं नंबर ऐड करके। उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग ऑटो या फिर सिलेक्टेड नंबर जो भी आप, या फिर ऑल कॉल रिकॉर्डिंग जो भी आप करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉल रिलेटेड जो भी आपका जरूरत है वो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग हो, ब्लैक लिस्ट हो गया, सभी आप यहां पर आप मिल जाएगा आपको।
इस डिवाइस में आई प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, और यहाँ पर आपको जो मिल जाएगा विच इज़ द नाइट शील्ड। नाइट शील्ड जब भी आप ऑन करेंगे, जैसा आप देख पा रहे हो ये थोड़ा येलो टाइप का हो गया है, उसको और भी आप वार्म और कर सकते हैं। तो ये क्या हो, रात को जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसको आप ऐसे इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके साथ खाली यही नहीं, अगर आप शेड्यूल टाइम ऑन ऑफ करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर खाली ऑन करके रखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी बढ़िया है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में मेरा एक काफ़ी पसंदीदा फीचर है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में दिखा रहा हूँ, वो है आपका क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम एक्चुअली क्या होता है, दिस इज फॉर योर पर्सनल टाइम। अगर आप इसको इनेबल मैनुअली करना चाहते हैं तब तक कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते आप ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं, जहां पर यहाँ पर आपको अलग अलग टाइम मिल जाएगा जिस टाइम से। फॉर एग्जाम्पल, रात को अगर मैं 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सोता हूँ, अगर मैं इनेबल करके रखता हूँ उस टाइम में कोई भी कॉल या फिर नोटिफिकेशन मेरे फोन पे नहीं आएगा, या फिर मुझे वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो गाइज, ये था आपका कुछ स्पेशल फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गाइज, ये था आपका हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ रियलमी 2 प्रो। आप बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, एक्चुअली इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन क्या है ना, एक साथ एक वीडियो में इतना सब कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीचर मैं कवर करने का कोशिश किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फिर भी अगर आपको और भी दूसरे कोई चीज़ के बारे में जानना है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देना। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, उसके साथ ही कैन फॉलो मी ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस योर होस्ट मी साइन ऑफ फ्रॉम डेटा, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।